Hello students, we are going to read chapter 1st, Power Sharing of Political Science, class 10th. Students, this is the second video of this chapter, and in first video you have looked at the case of Belgium, and you have looked at that how the people of Belgium and how the government of Belgium solved the problem of that place. But you are going to look at a different case of Sri Lanka. And Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. There are many communities like Sinhala speaker, Tamil speaker, Buddhist, Muslim, Hindu, Christian, etc. Students, Sri Lanka ko 1948 mein swatantrata mili thi aur yahan pe kai community ke log rehte the jaise ki Sinhala speaker, Tamil speaker, Buddhist, Muslim, Hindu, Christian. ये सभी लोग द परसेंटेज ऑफ सिन्हाला स्पीकर वॉज 74 एंड ऑफ तमिल स्पीकर वॉज 18%. नेटिव तमिल वेयर 13% एंड इंडियन तमिल वर 5%. जैसा कि आप देख रहे हैं जो सिन्हाला स्पीकर हैं वहाँ पर उनकी मेजॉरिटी है और वो 74% में वहाँ पर हैं, जबकि दूसरी तरफ जो तमिल हैं वो टोटल 18% में हैं. उसमें भी दो भागों में बटे हुए हैं, कुछ तो नेटिव तमिल हैं जो 13% में हैं और कुछ इंडियन तमिल हैं जो कि 5% में. यहाँ पर नेटिव तमिल और इंडियन तमिल से मतलब है, नेटिव तमिल का मतलब जो श्रीलंका के ही तमिल पीपल हैं और इंडियन तमिल से मतलब जो जिनके फोर फादर्स इंडिया से गए हुए थे. After getting independence, Sinhala speaker met their government on the basis of their majority, which is called majoritarianism, because they rule on the basis of it. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद Sinhala people ने अपनी सरकार अपने majority के बल पर बनाया और उसी के बल पर उसने शासन किया, जिसे majoritarianism कहते हैं या हिंदी में जिसको बहुसंख्यकवाद भी कहते हैं. सिन्हाला वॉज मेड ऑफिशियल एंड स्टेट लैंग्वेज. मेजॉरिटी के रूल में उन लोगों ने और क्या क्या किया इनको आप आगे देखें. उन्होंने सिन्हाला लैंग्वेज को वहाँ का स्टेट यानी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया. मोस्ट ऑफ द सिन्हाला वेयर बिलोंग फ्रॉम द बुद्धिस्ट कम्युनिटी, दैट्स वाई बुद्धिस्ट अनाउंस एज द स्टेट रिलीजन. सिन्हाला पीपल में मैक्सिमम बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जिसके कारण बौद्ध धर्म को वहाँ का स्टेट रिलीजन अनाउंस कर दिया गया. कैंडिडेट्स बिलोंग फ्रॉम सिन्हाला कम्युनिटी वेयर गिव प्रेफरेंस एंड इम्पॉर्टेंस इन एजुकेशन एंड इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट. ऐसे स्टूडेंट, ऐसे कैंडिडेट जो सिन्हाला कम्युनिटी से थे उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था, ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में और शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था. दीज ऑल थिंग्स गिव ए फीलिंग ऑफ बीइंग एलन इन दियर ओन नेशन. इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो भी तमिल स्पीकर थे उनके दिमाग में एक बात आई और वो अपने आप को अपने ही देश में विदेशी महसूस कर रहे थे. क्यों? क्योंकि उनके हितों की अनदेखी हो रही थी. दस तमिल स्पीकर डिमांडेड ए न्यू इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस स्टेट तमिल इलम इन नॉर्थ एंड इन ईस्ट. इस प्रकार तमिल स्पीकर ने एक नए स्टेट का डिमांड किया जिसे तमिल इलम कहा जाता है. वो एक ऐसे स्टेट की डिमांड कर रहे थे जो स्वायत्त शासी हो, जो ऑटोनॉमस हो, वो देश के नॉर्थ और ईस्ट इलाके में. पीपल ऑफ तमिल स्पीकर वेयर फोर्स टू लीव पीसफुली ओबेइंग द सिन्हाला गवर्नमेंट और टू लीव द कंट्री. श्रीलंका के जो तमिल पीपल थे उन्हें बाध्य किया गया वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा कि वो सरकार जैसा भी ऑर्डर करे उसको ओबे करते हुए, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए वो वहाँ पर रहें, शांति को बनाए रखें या तो देश को छोड़कर चले जाएं. जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ पे क्या हुआ देखिए.
इन दिस सिचुएशन देयर वॉज स्टार्टेड ए सिविल वॉर, ऐसी स्थिति में वहाँ पर गृह युद्ध आरंभ हो गया। गृह युद्ध का मतलब होता है अपने ही देश में दो कम्युनिटी के बीच में कुछ मतभेद पर युद्ध होना, उसको गृह युद्ध या सिविल वॉर कहते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेयर किल्ड ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ के हजारों लोग मारे गए इस युद्ध में। श्रीलंका वॉज अनेबल टू इस्टेब्लिश पीस एंड स्टेबिलिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम, और इस तरह से श्रीलंका एक लंबे समय तक अपने यहाँ शांति और अस्थायित्व की स्थापना करने में सक्षम न हुआ। जबकि आपने देखा कि बेल्जियम में कितने आसानी से लोगों ने शांति को स्थापित कर लिया था। तो ये फ़ायदा और नुकसान होता है पावर को शेयर करने का और न करने का। तो आज के लिए आपको कुछ क्वेश्चन देने जा रहे हैं। नेम द टू सब ग्रुप्स ऑफ तमिल इन श्रीलंका। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन डिड श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज मेजॉरिटेरियनिज। फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट टू मेन बेसिस ऑफ सोशल डिवीजन इन श्रीलंका। फिफ्थ क्वेश्चन, विच इज़ द स्टेट रिलीजन ऑफ श्रीलंका। एंड लास्ट क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन द कंडीशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।